स्टोरी बोधी प्रस्तुत करते हैं गांधी जयंती। शिव्स को बंदरों को देखने में बड़ा मजा आता है। वो अक्सर उस जगह जाता है जहां उसे अक्सर बंदर देखने को मिलते हैं। एक दिन, माँ मैं एक बंदर को पालना चाहता हूँ। माँ थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गई और कुछ सोचने लगी। अगले दिन, देखो मैं तुम्हारे लिए बाजार से क्या लाई हूँ। माँ बाजार से एक बड़ा बक्सा लेकर आई थी। शिव उत्साहित होकर बक्सा खोलता है। उसे उम्मीद थी कि उसमें जरूर बंदर होगा। बक्से में मिट्टी के बने कुछ बंदर रखे थे। शिव को वो बहुत पसंद आए। माँ मुझे यह मूर्तियाँ बहुत पसंद आई, लेकिन आप ये तीन मूर्तियाँ क्यों लेकर आई? और इनमें से एक ने अपने मुंह पर, दूसरे ने कान पर और तीसरे ने आँखों पर हाथ क्यों रखा है? तुम जल्दी ही जान जाओगे। माँ जानती थी कि 2 अक्टूबर आने वाला है। शिव्स खुद ही सारी जानकारी निकाल लेगा। 2 अक्टूबर को माँ ने शिव्स को कुछ रुपए दिए और कहा, शिव्स बेटा यह बताओ कि इन नोटों पर किसका चित्र बना है? मैं इन्हें नहीं जानता माँ। आज 2 अक्टूबर है, आज गांधी जयंती है। यह मोहनदास करमचंद गांधी है। आज अगर हमारा देश आजाद है तो सिर्फ इन्हीं की वजह से। इन्होंने विदेशियों के साथ संघर्ष किया था ताकि हम उनकी गुलामी से मुक्त हो सके। वे केवल एक हाथ से बुनी हुई सफेद धोती पहनते हैं, हाथों में एक लाठी होती है और उनके सिर पर बाल नहीं है। इस चित्र में देखो, उन्होंने गोल चश्मे पहन रखे हैं। उनके बारे में बहुत सारी किताबें हैं। मैं कुछ तुम्हारे लिए भी लाई हूँ। माँ शिव्स के लिए कुछ किताबें लाई थी। शिव्स जल्दी से किताबें लेकर अपने कमरे की तरफ जाता है और पढ़ने लगता है। कुछ घंटों बाद, माँ अब मैं समझ गया कि आपने मुझे वो बंदर क्यों उपहार में दिए थे। वे गांधी जी के बंदर है। मैंने किताब पढ़ी और मुझे पता चला कि वे हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलने को कहते थे। पहले बंदर का अर्थ है कि हमें कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए। दूसरे बंदर का अर्थ है कि हमें कोई बुरी बात नहीं सुननी चाहिए। और तीसरे बंदर का अर्थ है कि हमें कोई बुरी चीज नहीं देखनी चाहिए। हाँ बेटा शाबाश, हमें हमेशा गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर ही चलना चाहिए। तो क्या शिव्स तुम गांधी जी के बंदरों की सीख का पालन करोगे? जरूर माँ, आज से गांधी जी मेरे आदर्श पुरुष है।